लेखक एक पड़ोसी भगत जी के माध्यम से, उनकी कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के लोग बाजार को कृतार्थ करते हैं। लेखक कहते हैं, उनके पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। पुरानी मुद्रा आकलन का तरीका है, 6 आने का मतलब लगभग 32 पैसे से ज़्यादा वो कभी नहीं कमाते। चूरन उनका आसपास का सरनाम है, यानी कि उनका उपनाम ही चूरन है, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। लोगों में उनको बहुत लोग पसंद करते हैं। कहीं व्यवसाय का गुरु पकड़ लेते, का मतलब अगर व्यवसाय करना अच्छी तरह से सीख लेते और उसका गुरु मंत्र पकड़ लेते या उसका हुनर जान लेते और उस पर चलते, तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। बहुत पैसा होता उनके पास, पेटेंट करा लेते वो अपने चूरन का, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, मतलब वह उसे होलसेल रेट में भी किसी को नहीं देते, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी कहते हैं एडवांस, ऑर्डर भी कोई नहीं लेते। बधे वक्त पर, सही समय पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, हाथों हाथ चूरन बिक जाता है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जोर रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना, उनके प्रति अपने सम्मान की भावना, उनके कार्य के प्रति निष्ठा को देखकर लोग उनके प्रति सद्भावना का को देने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं, 32 पैसे उन्होंने कमाए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे दे उसके बाद। कभी चूरन में कोई लापरवाही नहीं हुई, और कभी उन्हें, लेखक कहते हैं कि मैंने उनको बीमार होता भी नहीं देखा, कोई रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अगर बाजार के जादू पर नियंत्रण पाना है तो भगत जी जैसा चरित्र चाहिए। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, लेखक कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भगत जी के बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग गया हूँ। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, और नहीं मैं अपने चूरन की पब्लिसिटी करना चाहता हूँ भगत जी के माध्यम से, ऐसा भी नहीं है जी। नहीं, ऐसी हल्की बात भी मन में न लाइएगा, मत सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से, यानी कि जो भी इस लेख को पढ़ रहे हैं, चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने में कि मैं हिम्मत कर सकता हूँ, मैं किसी भी हालत में चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने में मेरा उद्देश्य नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, हो सकता है भगत जी पढ़े लिखे ही ना हो, इसलिए मैं किसी पाठक से उनको श्रेष्ठ नहीं बताना चाहता। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, अगर पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो बड़ी बातें क्या मालूम होंगी। और हम लोगों को न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें मालूम होती हैं, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन हम भगत जी जैसा चरित्र हम में नहीं है। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज, माने बहुत ही छोटा आदमी, तुच्छ प्राणी हो। हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा जानकार हो सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी, लेखक कहता है कि मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ, माने उस छोटे प्राणी यानी भगत जी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम लोगों को शायद प्राप्त है। सब कुछ है, हम उनसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें प्राप्त है वह हम में से बहुत शायद बहुत कम लोगों को प्राप्त है, और वह क्या है, आत्मसंतुष्टि। इस बात को आगे बताते हुए लेखक कहते हैं, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। किस पर? भगत जी पर। माल बिछा रहता है और उसका मन, यानी भगत जी का मन, अडिग रहता है। वो हमारी तरह
माल पर मुग्ध नहीं होते, पैसा उससे आगे होकर भीख मांग तक मांगता है कि मुझे ले लो। पैसा कहता है मुझे लो और बेचो चूरन और खूब ढेर सारा पैसा कमाओ, माला माल बनो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं जमाती। वह निर्मम निर्मोही मोहरहित होकर मोहरहित व्यक्ति की तरह पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देते हैं। आहत गर्व में बिलकता छोड़ देते हैं का मतलब पैसा अपने अहंकार में जो गर्व करता है वह गर्व उसी तक सीमित रहता है, वह किसी भी रूप में पल्लवित नहीं होता, पुष्पित नहीं होता और वह उसके गर्व को चूर चूर कर देते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति की कुछ भी चलती होगी? बिल्कुल नहीं। क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज मने लज्जित नहीं हो जाती होगी? तो इस प्रकार से लेखक भगत जी के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चूरन बेचने वाला भगत, जैसे लोग अगर बाजार जाएं तो बाजार का जो जादू है वह ऐसे लोगों पर किसी भी रूप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। इसके आगे का जो वर्णन है वो अगले वीडियो में है। तो चलिए अगले वीडियो की ओर जानें कि भगत जी किस प्रकार बाजार के जादू को प्रभावहीन करते हैं।